प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नई बुलंदियों को छू रहा है। केंद्र सरकार द्वारा विगत 9 वर्षों में राजस्थान में 85,000 करोड़ रुपए निवेश मूल्य की सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई और राजस्थान का रेलवे बजट 700 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़कर इस वर्ष 9,500 करोड़ रुपए हो गया है। राजस्थान के विकास को और तेजी देता 22,500 करोड़ रुपए के निवेश से अमृतसर को जामनगर से जोड़ने वाले 917 किलोमीटर लंबी 6 लेन अमृतसर भटिंडा जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के राजस्थान राज्य से गुजरने वाले 502 किलोमीटर लंबे और 11,125 करोड़ रुपए लागत मूल्य के एक्सप्रेसवे का आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ कर कमलों द्वारा राष्ट्र के प्रति समर्पण हो रहा है। इसके निर्माण से अमृतसर से जामनगर के बीच की यात्रा का समय 23 घंटे से 12.5 घंटे रह जाएगा, जिसमें यात्रियों के लिए 25 विश्व स्तर की वे साइड अमेनिटीज स्थापित की जा रही हैं। पीएम गति शक्ति मिशन अंतर्गत ये गलियारा 7 बंदरगाहों 9 प्रमुख हवाई अड्डों रक्षा हवाई पट्टियों तथा 2 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क के साथ साथ देश की पंजाब राजस्थान और गुजरात स्थित 3 प्रमुख रिफाइनरी को जोड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान के बीकानेर और चूरू जिलों में लगभग 900 करोड़ रुपए के निवेश मूल्य की 2 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें बीकानेर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट तथा चूरू से रतनगढ़ 43 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। बीकानेर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के अंतर्गत स्टेशन बिल्डिंग को भूतल पर 9 मंजिला बनाया जाएगा, जिसमें एग्जीक्यूटिव लाउंज, फूड कोर्ट, शॉपिंग मॉल और प्ले एरिया जैसी सहूलियतों के साथ लिफ्ट, एस्केलेटर, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चूरू से रतनगढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण से बीकानेर, हिसार और डेगाना की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। इस दिशा में ये सड़क और रेल परियोजनाएं राजस्थान के आर्थिक सामाजिक परिवेश को अधिक समृद्ध करेंगी। सदियों से ये देश सूर्य की आराधना करता रहा है, जिनकी अनुकंपा से आज ये धरती ऊर्जा रूपी सोना उगल रही है। सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स की परिकल्पना की, जिसमें सौर एवं पवन ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त बिजली का राष्ट्रीय ग्रिड से एकीकरण संभव हुआ। गुजरात और राजस्थान में 6,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए भुज गुजरात से पंजाब के मोगा तक ट्रांसमिशन सिस्टम की योजना बनाई गई। भुज, बनासकांठा, चित्तौड़गढ़, अजमेर और बीकानेर में 5 नए सबस्टेशन स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी जोन परियोजना के अंतर्गत 1340 करोड़ रुपए की लागत से उपकेंद्र एवं बीकानेर से खेतड़ी और भिवाड़ी तक 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया गया है। राजस्थान के बीकानेर में ही प्रधानमंत्री के स्वस्थ भारत समृद्ध भारत संकल्प के तहत यहां के मेहनती श्रमिकों तथा उनके परिजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ESIC द्वारा बनाया गया है 30 बिस्तरों वाला अस्पताल। यह अस्पताल भविष्य में 100 बिस्तरों में उन्नयन योग्य है और इसमें आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ आयुष की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस अस्पताल के आने से आसपास के इलाकों के लाभार्थियों को मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। दिल में दबी है एक आस अवश्य होगी पूरी, ये है विश्वास, क्योंकि लक्ष्य है स्पष्ट, सबका साथ सबका विकास। देश में करोड़ों देशवासियों के विकास की कहानी लिख रहे
जनाकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन रहे और वैश्विक पटल पर एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में देश का मान बढ़ाने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध आग्रह करती हूँ कि आज के इस अवसर पर अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें, अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र जी, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, अर्जुन मेघवाल जी, गजेंद्र शेखावत जी, कैलाश चौधरी जी, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीरों की धरती राजस्थान को मेरा कोटि कोटि नमन। ये धरती बार बार जो विकास से समर्पित लोग हैं उनकी प्रतीक्षा करती है, बुलावा भी भेजती है और मैं देश की ओर से विकास की नई नई सौगात इस वीर धरा को उसके चरणों में समर्पित करने के लिए निरंतर प्रयास करता हूँ। आज यहाँ बीकानेर और राजस्थान के लिए 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। राजस्थान को कुछ ही महीने के भीतर में 2-2 आधुनिक 6-लेन एक्सप्रेसवे मिले हैं। फरवरी महीने में मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर की उसके दिल्ली दौसा लालचौर सेक्शन का लोकार्पण किया था और आज यहाँ अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के 500 किलोमीटर सेक्शन को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिल रहा है। यानी एक तरह से एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान ने डबल सेंचुरी मार दी है। साथियों, आज रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में राजस्थान को आगे ले जाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का भी लोकार्पण हुआ है। बीकानेर में ESIC अस्पताल का काम भी पूरा हो गया है। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए बीकानेर और राजस्थान के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोई भी राज्य विकास की दौड़ में आगे तब निकलता है जब उसके सामर्थ्य की, उसकी संभावनाओं की सही पहचान की जाए। राजस्थान तो अपार सामर्थ्य और संभावनाओं का केंद्र रहा है। राजस्थान में विकास की तेज रफ्तार भरने की ताकत है, इसलिए हम यहाँ रिकॉर्ड निवेश कर रहे हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए हम यहाँ कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बना रहे हैं। तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे और रेलवे से पूरे राजस्थान में पर्यटन से जुड़े अवसरों का भी विस्तार होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यहाँ के युवाओं को होगा, राजस्थान के बेटे बेटियों को होगा। साथियों, आज जिस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ है, ये कॉरिडोर राजस्थान को हरियाणा, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा। जामनगर और कंडला जैसे बड़े कॉमर्शियल सी पोर्ट भी इसके जरिए राजस्थान और बीकानेर से सीधे जुड़ जाएंगे। एक तरफ जहां बीकानेर से अमृतसर और जोधपुर की दूरी कम हो जाएगी, तो वहीं जोधपुर से जालौर और गुजरात की दूरी भी घट जाएगी। इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को बड़े पैमाने पर मिलेगा। यानी एक तरह से ये एक्सप्रेसवे पूरे पश्चिमी भारत को उसके औद्योगिक गतिविधियों को नई ताकत देगा। खासकर देश की ऑयल फील्ड रिफाइनरीज के जरिए जुड़ेगी, सप्लाई चेन्स मजबूत होगी
और देश को एक आर्थिक रफ्तार मिलेगी। साथियों, आज यहां बीकानेर रतनगढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का काम भी प्रारंभ हुआ है। हमने राजस्थान में रेलवे के विकास को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है। 2004 से 2014 के बीच राजस्थान को रेलवे के लिए हर साल औसतन 1,000 करोड़ रुपए से भी कम मिले थे, जबकि हमारी सरकार ने राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए हर साल औसतन करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आज यहां तेज रफ्तार से नई रेल लाइनें बिछ रही हैं, रेलवे ट्रैक्स का तेजी से विद्युतीकरण हो रहा है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का सबसे ज्यादा फायदा छोटे व्यापारियों और कुटीर उद्योगों को मिलता है। बीकानेर तो अचार, पापड़, नमकीन और ऐसे तमाम उत्पादों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। कनेक्टिविटी और अच्छी होगी तो यहाँ के कुटीर उद्योग कम लागत में अपना माल देश के कोने कोने तक पहुंचा पाएंगे। देशवासियों को भी बीकानेर के स्वादिष्ट उत्पादों का आनंद ज्यादा आसानी से मिल पाएगा। साथियों, बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है। जो बॉर्डर इलाके दशकों से विकास से वंचित थे, उनके डेवलपमेंट के लिए हमने वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है। हमने सीमांत गांवों को देश का पहला गांव घोषित किया है। इससे इन क्षेत्रों में विकास हो रहा है, देश के लोगों को भी सीमांत क्षेत्रों में जाने की दिलचस्पी बढ़ रही है। इससे बॉर्डर पर बसे क्षेत्रों में भी विकास की नई ऊर्जा पहुंची है। साथियों, हमारे राजस्थान को सालासर बालाजी और करणी माता ने इतना कुछ दिया है, इसलिए तो विकास के मामले में भी सबसे ऊपर होना चाहिए। आज भारत सरकार इसी भावना के साथ लगातार विकास के कामों को बल दे रही है, पूरी ताकत झोंक रही है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर राजस्थान के विकास को और भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक और ऊर्जावान संबोधन के लिए। भारतीय राजनीति के शिखर स्तंभ, देश को पुनः परम वैभव की ओर ले जाने को समर्पित जननायक माननीय प्रधानमंत्री जी।